गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह सुबह का दृश्य है ये, देखो देखिए। कितनी ठंड है। ये भी पूरा भीग गया। तो फ्रेंड्स, खबर तो आपने पढ़ी ली है स्क्रीन में, और देखिए वैसे आज धूप अच्छी है और उम्मीद है कि पूरे दिन ऐसे ही धूप खिली रहे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड से हम सब परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सूर्य देवता। अच्छी धूप तो नहीं, मतलब थोड़ी धुंधली सी है, मगर ये भी काफ़ी है शरीर में ऊर्जा देने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ओस की बूंदें चमक रही हैं, देखिए बिल्कुल मोती की तरह। आई हाय, कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है ना आपको? ये उधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है और उसकी वजह से इसमें देखिए जो उसकी बूंदें हैं वो बिल्कुल मोती जैसी स्क्रीन में भी दिख रहा है। दोस्तों, लाइव तो मैंने देखा, लेकिन मैं आपके लिए कैप्चर करके लाई हूँ इस सीन को। देखिए, इसको देखते हुए बहुत सुकून मिल रहा है और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती आपको। आप भी इसको देखिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आप किस किस को अच्छा लगा। वाह, ब्यूटिफुल। तो फ्रेंड, बाहर का दृश्य तो आपने देख लिया, अब मैं ले चलती हूँ आपके अपने अपने घर के अंदर और सीधे किचन में ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रिपरेशन हो चुका है, मेरी जो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप उसको देखते रहिए क्या बना रही हूँ मैं। तो गाइस, बना रही हूँ, आप वॉच करिए और ट्राई भी करिएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पैन गर्म कर रही हूँ और आप वीडियो में देखते रहिए। ग्रीन चिली, साथ में डाल दीजिए आप गाजर और शिमला मिर्च। गरम करने के बाद हमने यहाँ पे प्याज और दो हरी मिर्च और थोड़ा सा गाजर और शिमला मिर्च को थोड़े लंबाई में काट करके तो थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बेल रही है टेढ़ी मेढ़ी सी रोटियाँ। ये गाइस, आटा थोड़ा टाइट है, इस वजह से हो रहा है। अगर आप बनाएंगे तो आटा थोड़ा आप सॉफ्ट करके रखिए, जिससे कि आपकी रोटियाँ गोल गोल बने। वैसे ये रोल होने के बाद तो पता नहीं चलेगा कि आपकी रोटी गोल है या कुछ है, क्योंकि रोल करना है, फिर उसके बाद कट करना है, तो इससे आपकी जितनी भी खामियाँ ना वो दिखेंगी नहीं गाइस। तो बना रही हूँ ये, अब देखती हूँ कितना हुआ। ये अभी हुआ नहीं, इसको ओपन ही पकाना है गाइस, ज़्यादा इसको वो नहीं करना, थोड़ा सा इसमें कच्चापन रहना चाहिए, क्योंकि जब रोटियाँ सिकेंगी तो फिर ये दोबारा पकेगा ना, इसलिए तो इसको थोड़ा सा कच्चा ही रखना है। ज़्यादा कच्चा तो नहीं, थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक पार्ट थोड़ा सा कच्चा। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, ये पक चुका है। इसको मैं अलग बाउल में निकाल लेने के बाद इसको थोड़ा सा और बोना, और मैंने इसको अलग से बाउल में निकाल लिया। अब इसमें ऐड कर, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मिक्सचर हो गया रेडी। इसमें मैंने डाला मायोनीज और साथ में डाला ये मस्टर्ड
लिक्विड है इसको डाल दिया, इससे टेस्ट अच्छा होगा। तो अब बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको बहुत बारीक सा बेल लिया, बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आपने स्क्रीन में देखा था, सबसे पहले मैंने इसको पतली सी चपाती से बना ली, उसको हल्का हल्का घी से सेक लिया, फिर उसके बाद फिलिंग भरने के बाद उसको रोल कर लिया। रोल करने के बाद उसको दोबारा से फिर मैं इसको देसी घी में इसको थोड़ा सा सेक रही हूँ। चाहे तो आप ऑयल भी डाल लीजिए, लेकिन बच्चों के लिए तो आप देसी घी का इस्तेमाल करिए। और उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करने के बाद मैं इसमें आप किसी पिज्जा कटर से या फिर आप नाइफ से इसको कट लीजिए। मैं पिज्जा कटर से इसको कट कर रही हूँ, जिससे कि इसकी जो अंदर की सब्जियाँ हों ना निकले। देखिए यहाँ पर मैं इसको कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी रेसिपी है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ये टिफ़िन में डालिए, आप चाहे तो आप इस तरीके से आप खिलाए इसको, ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, डिनर में, किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से और जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी, इसमें कोई भी सब्जियां डाल दीजिए आप, जो सीजन की सब्जियां हैं उसमें आप डालिए और बच्चों को खिलाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करना दोस्तों चैनल को। मैं जा रही हूँ कोको को खाना देने, इसके लिए आज मैंने स्पेशल बनाई रोटी और अंडा, अंडा रोटी। को खाना नहीं खाएगा आज, खाना नहीं खाएगा आज, खाना नहीं खाएगी। देख आज कहाँ है कटोरी, कटोरी किधर है? नो नो नो, चलो खा ले। बहुत अच्छी धूप लगी है, बहुत अच्छी धूप अच्छी आ रखी है। आह पानी पी रहा है, पानी पी के सो जाना। हाँ नुनू कर ले। गाइस धूप कितनी अच्छी है अभी तक। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं इसी तरीके से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।